जरा हिंदुस्तान के टीवी पे देखें किस तरह मजाक उड़ा है पाकिस्तान का, क्या वो पाकिस्तान के ऊपर उनकी तरह टीवी खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहे हैं। देखें बड़ी बुरी बात, हम इसके ऊपर जो है वो एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए इंडियंस को। इस बहरान से निकलने के लिए पाकिस्तान बार बार दोस्त ममालिक और IMF को पुकार रहा है कि हमें बचा लें, हमारी कश्ती पार लगा दें। इस वक्त इंडिया जो है डिप्लोमेटिकली इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो जो मर्जी कर ले, वो इसमें कोई शक नहीं। खान साहब को अभी ये नहीं पता कि इंडिया में खान साहब का कितना मजाक उड़ाया जाता है। वहां पर इमरान खान को जिस तरीके से लिया जाता है, इमरान खान वो जानते हैं, वैसे उनको पता होगा, ये सब बातें उन तक पहुंचती होंगी। क्वाड, क्वाड इज एन एशियन नेटो, इंडियन ओशन का नेटो है, हिंदुस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका। उसके बाद ये तो कॉलिन पावेल याद आ गए हिलाली साहब, वो इधर सर अगेंस्ट दिस वाला मामला है। फिर ऑलमोस्ट जो भीख हमें चाहिए है वो IMF हमें क्यों नहीं दे रहा, उसकी राह में कौन सी चीज रुकावट बनी हुई है? इस वक्त भारत फाइनेंशियली, डिप्लोमेटिकली, डिफेंस वाइज जितना स्ट्रांग हो चुका है, यू आर ऑलमोस्ट 100 इयर्स बिहाइंड। ये तरीके से आपको हाथ आड़े हाथ लेंगे। IMF की तमाम शराइत भी मान रहे हैं, हमारे रुपए की कदर भी गिरती है, हमारे यहाँ महंगाई भी हो जाती है, आम बंदे पर बोझ भी बढ़ जाता है, लेकिन IMF नहीं मान रहा। जो हमारा हमसाया कंट्री इंडिया है वो कैसे हंस रहा है हमारे ऊपर। लेकिन दुख की बात है कि इस सिस्टम को तोड़ने वाला अभी तक पैदा नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है। 22-23 करोड़ लोग हैं, इतना जमे गफीर है, उसमें एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हो रहा जो पाकिस्तानी कहे मैं पाकिस्तानी हूं, जो कहे मैं मुसलमान हूं, मैं बचाऊंगा सारा कुछ, पता नहीं क्या बात है। ये मेरी समझ से बाहर है, इसी वजह से मैं भाग कर यहां हाजिर होकर आके बैठा। साजिद साहब, 9 और 10 सितंबर को भारत में G20 कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और भारत की पूरी कोशिश है कि उसका एक इजलास इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी रखा जाए। आप क्या समझते हैं, क्या भारत की ये कोशिश कामयाब हो सकेगी, क्योंकि चाइना और तुर्की की तरफ से ऐसा हो सकता है कि वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक कॉन्फ्रेंस रखने के ऊपर एतराज उठा सकते हैं। तो दूसरी जो इसके साथ में क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या भारत क्या हासिल करना चाहता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ये कॉन्फ्रेंस रख के, जहां पर दुनिया से ममालिक आए हुए होंगे और काफी स्ट्रॉन्ग सतह पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसका बाकी दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त इंडिया जो है डिप्लोमेटिकली इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो जो मर्जी कर ले, वो इसमें कोई शक नहीं। अब इस वक्त पाकिस्तान ने जो कुछ भी करना है अमेरिका के साथ, उन्होंने इंडिया से पूछ के इनके साथ जो कुछ करना है इंडिया इस, और दूसरा जो G20 की उनके पास प्रेसिडेंटशिप है, उनके पास शंघाई कॉन्फ्रेंस की उनके पास है, और इकोनॉमिकली जितने वो स्ट्रांग हो चुके हैं, मेरे ख्याल में उनको दुनिया की कोई ताकत वहां कश्मीर के अंदर इस तरह अपना मीटिंग करने से नहीं रोक सकती। आपकी सलाहियत नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है कि सुबह होना है आपने या नहीं होना, शाम को होना है या नहीं होना। आप जितने कमजोर हो चुके हैं, आपके जितने टुकड़े हो चुके हैं, आप तो इमरजेंसी रूम में पड़े हैं और ब्लीडिंग जारी है आपकी। उनको रोकने के लिए टर्की के अपने हालात खराब हैं, ज़ाती तौर पर आपको मैं बताऊं, इलेक्शन आने वाले हैं, तैयब अर्दगान इस वक्त इज नॉट पॉपुलर, उनका जो नया वहाँ पे कैंडिडेट है, सारी पार्टियों ने मिलकर कैंडिडेट वहाँ खड़ा कर लिया, और जो रिसेंट सजला आया है उसकी वजह से तैयब अर्दगान साहब इज लूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, उनको अपनी सर्वाइवल का इशू बन चुका है, वो कितना पुश कर लेंगे। चाइना की इकानमी ठीक नहीं है, उसका सिग्नल मैं ये देना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट शी ने अगले दिन 7 अपने जो 7 लोग हैं टीम उनकी अपनी चेंज की है, और क्योंकि ये कमजोरी की अलामत है, कहते हैं कि जब भी आप हालते जंग में होते हैं तो आप घोड़े तब्दील नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने घोड़े तब्दील किए हैं, और 7 औरत विमेन डे के हिसाब से कहूँगी 7 के साथ जो उन्होंने चेंज किया उसमें एक भी खातून शामिल नहीं, ये भी वेस्ट जो है इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन इस वक्त भारत फाइनेंशियली, डिप्लोमेटिकली, डिफेंस वाइज जितना स्ट्रांग हो चुका है, यू आर ऑलमोस्ट 100 इयर्स बिहाइंड। देखो इंडिया कैसे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, इंडिया के चैनल्स उठाकर देखे वहां पर हमारा कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे मुल्क का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि देखो ये इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, कैसे भीख मांग रहे हैं और कैसे नंगे भूखे हो गए हैं और क्या हालात आ गए हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है इमरान खान का। अच्छा, ये जो इंडिया की उन्होंने बात की, उन्होंने बड़े धड़ल्ले से और उन्होंने कहा कि ये देखो ये क्या, यानी उनका कहने का मकसद ये था कि ये जो हुक्मरान हैं ये मुल्क के साथ ये जो कुछ कर रहे हैं, तो देखें जो हमारा हमसाया कंट्री इंडिया है वो कैसे हंस रहा है हमारे ऊपर। जरा सुन ले वो क्या कह रहे हैं। कौम को लेकर जा रहे हैं, आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इस तरह के पाकिस्तान ये नहीं चल सकता। हिंदुस्तान के टीवी पे देखें किस तरह मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का, क्या वो पाकिस्तान के ऊपर उनकी तरह टीवी खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। यही तो जब पाकिस्तान बना था किस चीज का खतरा था पाकिस्तान को, क्योंकि वो हिंदुस्तान के लीडर कह रहे थे कि ये तो ज्यादा देर रहेंगे नहीं, ये फिर दम हो जाएंगे हमारे में, उनका शुरू से यह था। क्यों हमने फिर जोर दिया अपनी सिक्योरिटी पे, क्यों हमने अपनी फौज खड़ी की, पेट काट के फौज पाली, और क्यों फौज ने फिर जबरदस्त रोल पिया, हमें बचाया, हमें उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं हम आपको हिफाजत कर सकते हैं, तो पाकिस्तान तो इसलिए बना था।
खान साहब को अभी ये नहीं पता कि इंडिया में खान साहब का कितना मजाक उड़ाया जाता है। वहां पर इमरान खान को जिस तरीके से लिया जाता है, इमरान खान वो जानते हैं, वैसे उनको पता होगा ये सब बातें उन तक पहुंचती होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमें पता है तो उनको भी पता होगा, या फिर वो बिजी बहुत है कि वहां पर क्या क्या कहा जाता है। वहां पर तो बल्कि ये कहते हैं कि खान साहब, इमरान खान हमारे एजेंट है, इंडिया ये कहता है। इसकी वजह ये है कि जो कुछ वो मुल्क के अंदर कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर, तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, वो काफी है। भाई देखें, बड़ी बुरी बात, हम इसके ऊपर जो है वो एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए इंडियंस को। क्योंकि देखिए, ये जो एजेंट वाला मामला ना, हर एक को, हमें तक सबको जो है वो कह दिया जाता है, तो नहीं, ये एक्सेप्टेबल बात नहीं है। लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि देख लो। अच्छा, अब ये तो बात आप जानते हैं, वो जब उनका दिल करता है, जब उन्होंने अपनी उसको जो है बढ़ाना होता है, तो वो फौरी तौर पर इंडिया या मोदी का नाम लेते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है तो तारीफ कर देते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है कि क्रिटिसाइज़ किया जाए क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, और अब उनको ज़रूरत ये थी कि इस हुकूमत को जो है इस तरीके से कहा जाए, तो उन्होंने ये कर दिया। लेकिन वो कह रहे हैं हम कोई भेड़ बकरियाँ नहीं है, जिस तरह कहते हैं ना हम गुलाम हैं, हम कोई गुलाम हैं तुम्हारे, वो अब इसी तरीके से कह रहे हैं हम भेड़ बकरियाँ नहीं हैं। आज उन्होंने रैली निकालने का ऐलान कर दिया, आज रैली उनकी निकल रही, और इस रैली को क्या वो लीड करेंगे, क्या वो सबसे आगे होंगे? मुश्किल उर्दू में मैं बोलूं तो क्या वो इस रैली के हरावल दस्ते के सुरखेल साबित होंगे, यानी कि वो लीड करते हुए हमें नजर आएंगे? वो मेरा ख्याल है कि घर से बाहर नहीं